भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई की निगम क्षेत्र के सभी वार्डों की शंखनाद पद यात्रा का शुभारंभ शुक्रवार को जुनवानी चौक वार्ड 1 से हुआ। भाजपा भिलाई जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया के नेतृत्व में निकाली जा रही पद यात्रा में शामिल होने भाजपा के मंडल अध्यक्षों, विभिन्न वार्डों के पार्षदों सहित प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित हुए। पद यात्रा ने जुनवानी खम्हरिया क्षेत्र का भ्रमण किया और लोगों से मिलकर समस्याओं की जानकारियां ली, साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया और वार्ड में फैली गंदगी, जाम नालियों को देखकर निगम की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए। पद यात्रा का उद्देश्य बताते हुए जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया ने ग्रैंड एशियन न्यूज से खास चर्चा की। आइए देखते हैं चर्चा के खास अंश। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला के अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया जी। आज से शंखनाद पद यात्रा का आयोजन भाजपा द्वारा किया गया, जो पद यात्रा सभी नगर निगम सभी 70 वार्डों में जाएगी, क्या उद्देश्य आइए इसे लेकर हम इनसे जानते हैं। यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है जनता को राहत मिले। आज नगर निगम के माध्यम से जनता के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, जो अनाचार किया जा रहा है, आज उनको जनता को साफ सुथरा पानी नहीं मिल रहा है, डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है, जीवन रक्षक दवाइयों का वहाँ पर वितरण नहीं किया जा रहा है और नगर निगम के सारे अधिकारी कर्मचारी केवल प्रोपेगंडा कर रहे हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। डायरिया होने के बाद आप भी मेरे साथ थे वहाँ पर, मैं दौरा किया, नालियों की क्या स्थिति थी आपने देखी है, और इसके अलावा साफ पानी की आज तक व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कलेक्टर के दौरे के बावजूद भी वहाँ पर डायरिया रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, डायरिया के मरीज रोज आ रहे हैं, अभी कैंप से डायरिया बढ़कर के कुर्द तक पहुँच गया है, कुर्द में भी 8-10 मरीजों की जानकारी मिली है, डेंगू भी चालू हो गया है, और इसके बावजूद भी नगर निगम का प्रशासन कुंभकर्णी न्यूज किया हुआ है, जिला प्रशासन भी इस मामले में कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए दोनों प्रशासन से हमारी मांग है कि शीघ्र इन बीमारियों को रोकने का इलाज का व्यवस्था की जाए, वहाँ पर इलाज की व्यवस्था की जाए और जीवन रक्षक दवाइयाँ दी जाए और शुद्ध पानी की तुरंत व्यवस्था की जाए। क्योंकि आपकी जो पदयात्रा नगर निगम को सभी 70 वार्डों में होकर इसका समापन, इस पदयात्रा के दौरान काफी आपके सामने समस्याएं भी रखी जाएंगी, हमारी यात्रा है इसीलिए है कि हम जनता से रूबरू हूँ और इसके बाद जनता हमको समस्याओं को बताए, उन समस्याओं को एकत्रित करके हम नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के 5 दिन के बाद अगर वो समस्याएं दूर नहीं होती हैं तो एक जंगी प्रदर्शन नगर निगम के खिलाफ जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा मिलकर किया जाएगा। क्योंकि इसका पूर्व से भी जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है और लोगों का भी कहना है कि निगम क्षेत्र में समस्याएं पूर्व भाजपा द्वारा से भी अब इस बारे में तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ, जब से मुझको दायित्व मिला है उस दायित्व के हिसाब से भाजपा के कार्यकर्ताओं को साथ इकट्ठा लेकर के चल रहा हूँ और मेरी कोशिश है जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो इससे और जनता जिन कष्टों में जी रही है वो कष्ट समाप्त हो। स्टेप एक एक स्टेप के बाद प्रदर्शन देंगे, आंदोलन देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, तो बैठेंगे विपक्ष में बैठ के जो हमारी ड्यूटी बनती है उस ड्यूटी को पूरा करेंगे। जाएगा, देखना होगा भाजपा का प्रयास आने वाले समय में कितना सफल हो पाता है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जा के साथ संजय।